हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, दिवाली भी अभी चालू है, तो सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी पूजन हो चुका है और आज पड़ रहा है ग्रहण, तो आज कोई काम नहीं है। तो आज हम आए हमारे खेत पर हकाई करने। तो देख सकते हो पीछे चल रहा है ट्रैक्टर, क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो इसको अगवा के हम इसमें बुवाई का काम भी जल्दी कर देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो ये हकाई और इसके दो दिन बाद इसमें फिर से हकाई की जाएगी। फिर इसमें हम मसूर वगैरह जो भी है वो बोएंगे, क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली है, इसमें हम आसानी से बुवाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, हमारे इस खेत में एक साथ दो ट्रैक्टर चल रहे हैं। और दोस्तों, ये रंगलाल भाई कचरा बीन रहा है, जो सफ़ेद फूल वाला चारा है वो देख सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, बारिश इस बार इतनी ज़्यादा हुई है कि सोयाबीन को काटने में भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था मज़दूरों को। बट उसका फ़ायदा ये है कि हमें इसमें हकाई के बाद पानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें दोबारा हकाई करके इसमें बुवाई की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो हाल है वो ऊपर तक है। तो एक फ़ायदा ये भी है हमें, ताकि इसमें पानी ना फेरना पड़े हमें। तो देख सकते हो दोस्तों, सारे खेत अभी खाली पड़े हुए हैं, बट 4 से 5 दिन में ये सब पक जाएंगे और इसमें बुवाई हो जाएगी। बुवाई के साथ आप देख सकते हो संतोष में आग लगा रहा है, जितना भी कचरा वगैरह है, लेटा कांटा। और ये महिंद्रा ट्रैक्टर चल रहा है टाइम पर, देख सकते हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपको ऐसे ही ब्लॉग दिखाता रहूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।